अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 को हमने स्किप कर दिया, कुछ मतलब उसमें काम बहुत ज़्यादा है, इसमें काम जल्दी होता है, तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो पीछीदा काम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चैप्टर नंबर 4 में जो 4.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला, ये एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसका हर एक, इस पर अपना अपना टॉपिक है जो आगे आ रहा है। ठीक है, जिस तरह इसमें फैक्टोरियल है, इसमें फैक्टोरियल का टॉपिक है जो कि आगे आ रहा है। मतलब जब आप इसके एक एक पार्ट को करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पर 1, दूसरे पर 2, तो इसमें हर एक पर आगे अपना अपना टॉपिक आता है। जब हम उस टॉपिक को करेंगे तो इसके जो हर एक पार्ट है वो आपको खुद आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप करेंगे। अब जाते 4.2 पर। तो 4.2 में इसमें सबसे पहले जो है क्या है, चलिए चेक करते हैं। 4.2 में इसका जो टॉपिक है ऑटोमेटिक सीक्वेंस। जब आप इस ऑटोमेटिक सीक्वेंस को करेंगे तो इस 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, दिस सीक्वेंस हुज डिफरेंस आर सेम। अच्छा, वो सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब एक 1, 2, जैसा कि मैं आपको बता चलूँ कि 2, 4, 8, ठीक है, 2, 4, 8, तो इसमें जब आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हर एक का बराबर है, मतलब हर एक के साथ दो दो को प्लस करके आगे अगला नंबर आता है। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें बताया गया है कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज द सेम नंबर्स, ओके, द सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, मतलब सक्सेसिव मतलब ये है कि हर एक दूसरे के बाद, जब पहला मतलब एक के बाद दीगर, इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमको कुछ फार्मूले दी गई है, तो सबसे पहले ऑटोमेटिक सीक्वेंस का वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस में हम ये बात याद रखें कि हम इसमें से तीन चीज़ों को मतलब फाइंड करेंगे। देखिए, हम उस सीक्वेंस का इस क्वेश्चनों में हमको दिया गया हो, मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हो, इसमें क्या होगा कि आप मालूम करें पहला टर्म। ठीक है, हम मालूम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब हम पहला टर्म मालूम करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए हो हमको आखिरी टर्म दे दे। ठीक है, फिर उसमें हमको ये बताया गया होगा कि देखिए द एन टर्म ऑफ ऑटोमेटिक सीक्वेंस, इसको ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और ऑटोमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अच्छा, ए एन हमारे पास क्या है, ए एन का मतलब है एन टर्म। अच्छा, ए वन का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अच्छा, डी का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें हर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी फार्मूले को लिख लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए ए एन का मतलब है एन टर्म, आखिरी टर्म। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि आप एन टर्म मालूम करेंगे तो बस आप इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि एन टर्म को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एन हो और डी हो। अच्छा, डी को किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए डी का मतलब ये है कि ए टू माइनस ए वन। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, आपको एक सीक्वेंस दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल इसमें एक साइड में से एक क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, 2, 7, 12। अच्छा, 2, 7, 12, और ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नजर आ जाए। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि देखिए, अगर आपको कहा जाए कि इसका देखिए, तो अब इसमें क्या है, आपने क्या करना होगा, सॉल्यूशन का तरीका इसका क्या होगा। देखिए, अब ये जो 2 है ये हमारे पास ए वन है, 2 है, ए टू हमारे पास 7 है, इस तरह ए थ्री हमारे पास क्या है, 12 है, और जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब जब हम डी, ये हमारे पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन और डी। अच्छा, इसमें देखिए, अगर हम एन टर्म मालूम करेंगे तो याद रखिएगा हमारे लिए इसके लिए डी की भी ज़रूरत होंगी। ठीक है, डी की ज़रूरत होंगी, तो देखिए डी की ज़रूरत, डी को किस तरह फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड डी, नाउ टू फाइंड डी। डी का मतलब क्या है कि आप जो दूसरी टर्म है, मतलब ए टू से आप ए वन को माइनस कर दें, मतलब दूसरे से आप पहले को माइनस कर ले। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास आएगा डी आ जाएगा, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, केस में कितना कॉमन डिफरेंस है। तीसरे से आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चौथे से तीसरे को माइनस कर दें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है। अच्छा,
ये तरीका होगा। देखिए ये डी को फाइंड करने का क्या तरीका है कि ए टू माइनस ए वन, ठीक है। एक्सरसाइज में इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं लेकिन कुछ चौड़े हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सिक्स की जो नीचे क्वेश्चन है ये स्टोरी प्रॉब्लम है, तो इसको सिर्फ रीड कर लो, थोड़ा देख लो, मतलब इसको इतनी अहमियत नहीं दी थी। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर पेपर में आती भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं करते। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि ए वन का भी पता चल गया कि फर्स्ट टर्म, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। देखिए जिस तरह के पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आप इसका फिफ्थ टर्म मालूम करें और आप इसका दसवां टर्म मालूम करें पहले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, आप उसको देख ले, ठीक है। अच्छा तो हमारे साथ यही, मतलब हम कोशिश आज से यही कोशिश करेंगे कि हम थ्योरी को करेंगे और एक्सरसाइज को क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो इसमें मतलब ये है कि 4.2 में ज़रूरी तो नहीं कि हर एक कोई सारे क्वेश्चन ना आए हो। इसमें अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वही एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास 4.2 और इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको ज़रा देख लें। देखिए जब आप इसका एग्जाम्पल करेंगे 4.2.3, तो ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर किसके साथ रिलेटेड, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ रिलेटेड, ठीक है। तो आप इस तरह कर ले कि इसकी थोड़ा थ्योरी मैंने बता दिया, आप इसकी थोड़ा क्वेश्चन भी देख ले, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, आपको कोई मसला हो तो आप बेशक हमको कमेंट कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है मैं आपको बता चलूं, जिस तरह हमको एक सीक्वेंस दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है कि 2 7 और 12 2 चले जी 7 12 अच्छा जी 17 और इस तरह चले, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। अच्छा ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसको इसमें क्या फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अच्छा कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है जी। रिक्वायर्ड क्या है, आप यहाँ पे लिखना होगा रिक्वायर्ड, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, डिफाइन करो, ठीक है जी। फिफ्थ टर्म फाइंड करो, ठीक है जी, फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी फिर क्या है कि और टेंथ टर्म फाइंड कर दो, ए टेंथ, ठीक है जी, फाइंड करेंगे। अब क्या है, अच्छा जी और nth टर्म फाइंड करो, an का मतलब an फाइंड कर लो, ठीक है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा, हमें सबसे पहले d फाइंड करना होगा। नाउ टू फाइंड d का मैंने बताया था कि a2 minus a1 d is equal to a2 हमारे पास 7 है minus 2 तो d is equal to 5, ये हमारे पास इसका एक तो आ गया d। अब क्या कह रहा है कि आप फाइंड करो क्या, एन फाइंड करेंगे, ठीक है। या इस तरह कर ले, आप एन फाइंड कर ले, एन फाइंड कर ले, चलिए इसको फाइंड कर लेता हूं, ये तो हो गया। अब इसको देखिए, नाउ टू फाइंड, नाउ टू ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। ए एन हमारे पास इसका फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू अपनी जगह पर लिखेंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 + 5n - 5, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह करो, 2 - 5 + 5n, चले ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हमारे पास हो गया 2 - 5, ये हमारे पास -3 हो गया, +5n, अच्छा ठीक है। अब इस तरह कर लो, इस 5n को इस तरह कर लो, 5n - 3, ये हमारे पास क्या हुआ, an हो गया, ये तो a की फाइंड हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि आप इस तरह कर ए 5 को फाइंड करो, ठीक है, ये कोई समस्या तो नहीं। अच्छा now to find a5 is equal to question mark fifth term, मतलब a5 हमारे पास fifth term, ठीक है। तो a5 देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो a की नीचे है ना, ये 5, इसका मतलब है ये n है, ठीक है, ये हमारे पास n है। इस तरह फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि a n is equal to, इससे पहले मैंने आपको समझाया कि a n is equal to a1, चलिए जी a1 plus n minus 1 into d। अच्छा ये देखिए, ये जो n minus 1 है ना, ये n है, मतलब ए के साथ जो एन है ना, ये वाला है, ठीक है। आपको समझाया जाएगा आगे, मैं आपको ये बता दूंगा क्या मतलब इसका, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा
अब A5 को फाइंड करते हैं, ठीक है जी। A5, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और क्या b, ठीक है जी। A5 फाइंड करते हैं, ठीक है जी। a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है प्लस n माइनस 1। देखिए n माइनस 1 का मतलब क्या है कि ये 5 है, 5 से आप 1 को माइनस कर रहे हो, हमारे पास क्या है 4, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 5, ठीक है जी। a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, 5 4 इज 20, ठीक है जी। a5 हमारे पास 22। इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 22 होगा। आप इस तरह करें, इसी सीक्वेंस में जितना डिफरेंस है इसको रखें और आगे चल दी जाएगा, आपके पास फिफ्थ जो टर्म होगा वो क्या होगा, 22 होगा। फिर क्या कह रहा है कि आप फाइंड, ये हो गया a10 को फाइंड करें, ठीक है। a10 को फाइंड कर दें, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे वी है फार्मूला, फार्मूला क्या है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 क्या है डी। ए एन मतलब a10, ठीक है, 10 टर्म को फाइंड करते, ठीक है। a1 हमारे पास 2 है, क्वेश्चन में है, और प्लस n हमारे पास क्या है, n 10 है, तो 10 से जो आप 1 को माइनस करते हैं तो क्या है n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1, ये n, n ये है और ये है। देखिए n की जगह 10 ले दिया, ठीक है, जो फाइंड करते हैं, अच्छा n माइनस 1 ये n है तो n की जगह 10 लिया तो 10 माइनस 1 तो हमारे पास 9 रह जाएगा, 9, और d हमारे पास 5 है मेरे ख्याल से, अच्छा ये तो इससे हमारे पास क्या आता है, 47, ये हमारे पास 10 टर्म हो। अच्छा ये इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने खुद करना होगा, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे इसका जो क्वेश्चन है, आगे इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि देखिए ए बी में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। यहाँ पे क्या है कि a1 जो कि दिया है क्या है 43, ठीक है, a10 भी दिया है, क्या है 7 है, ठीक है, और क्या फाइंड करो, रिक्वायर्ड क्या है, देखिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है कि a25 तो अब सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमको a2 को फाइंड करेंगे, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इससे हम d भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n भी है और a1 भी है। Now to find d, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले d फाइंड करेंगे, क्योंकि a25 को फाइंड करने के लिए इसके लिए d की जरूरत है। तो now to find b, ठीक है, d को किस तरह फाइंड करेंगे, b है फार्मूला, ठीक है, an is equal to a1 plus n minus 1 d है, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। an हमारे पास है मतलब a10, a10 की जगह हम 7 लिखेंगे, ठीक है जी। अब a10 7, अच्छा ये हमारे पास a1 भी है 43 प्लस n minus 1 मतलब n d है हमारे पास, देखिए ना an मतलब a10 तो 10 हमारे पास n है, और जब आप 10 से माइनस कर दें 1 तो हमारे पास 9 हो जाएगा, और d हमारे पास हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इस तरह करें, इसको इस तरफ कर देंगे, ठीक है, 7 माइनस 43 इज इक्वल टू 9 डी, जब इसको माइनस करते हैं माइनस 36 इज इक्वल टू 9 डी, जब इसको 9 पर डिवाइड करेंगे इसको भी 9, तो ये इसके साथ 9 और ये 4 सा, तो d हमारे पास क्या है माइनस। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अब d आ गया, अब जब d आ गया तो a25 हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि किस तरह देंगे, रोजा भी है तो बड़ी मुश्किल से बता इस क्लास को। अच्छा क्या है कि नाउ टू फाइंड a25, d
ठीक है, इसको फाइंड कर लें। तो फिर वही हमारे पास फार्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन और हमारे पास टी। ठीक है, ए एन का मतलब क्या है कि ए 25। ठीक है, तो एन की जगह क्या लिखे, 25 ठीक है, ए 25 इज इक्वल टू, ठीक है, ए वन हमारे पास है बिल्कुल है 43। ठीक है, प्लस एन हमारे पास क्या है, ये 25 है, जब 25 से आप उनको माइनस कर दें 24, और डी हमारे पास माइनस 4 है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने कहा कि डी को देखे ना, अगर हम डायरेक्ट ये स्टेप कर लेते, इस ये नहीं करते तो देखिए यहाँ पर डी की जरूरत आती है।